दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मौका मिलते ही T20 के सरताज रिंकू सिंह ने अपने डेब्यू मैच में ही चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने इंग्लैंड तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गया। तो आखिर कैसे पहले टेस्ट के पहले दिन ही रिंकू सिंह इंग्लिश गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, विराट और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। दोस्तों अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम पहले टेस्ट मैच में हमारा इतना बुरा हाल करेगी। जहां टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक चार बल्लेबाजों को गवा दिया। हम पहले दिन ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त डेब्यूटेंट रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इंग्लैंड के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। उन्होंने न केवल बिखरती हुई टीम को संभाला बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा है कि वो इसका दर्द को आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएंगे। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मार्क वुड की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने टेस्ट को T20 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी और महज 22 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी टेस्ट मैच में जिस पर राहुल, रोहित, कोहली से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर गया था, हर तरफ केवल रिंकू सिंह ही सुनाई दे रहा था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टॉक्स उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू टेस्ट में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने इंग्लैंड थर थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। वुड से लेकर जैक लीच, एंडरसन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका इंग्लैंड के पास आया। एंडरसन की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली गेंद पर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। जेम्स एंडरसन के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि ऑली रॉबिसन के सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का डंका गाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, केवल 43 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, अपने डेब्यू पर ही रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवा लिया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के लगाए थे जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। और अपने पहले डेब्यू टेस्ट मैच में ही रिंकू ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।